हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यूरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, जैसे कि अपन लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट की कड़ी में आज अपन लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके टाइटल तो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, बट मैं चाहूँ कि मैं एक बार दोबारा उनको डिस्क्राइब कर दूँ। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि जैसे हम कोई एक बॉल ले लिए, क्रिकेट बॉल लेते हैं लेट अस सपोज, और उस क्रिकेट बॉल को यदि अपन दीवार में ऐसे मारते हैं, तो यदि अपन दीवार में ऐसे मारते हैं तो बॉल ऐसे उछल के आती है और वो हमारे पीछे जाके गिरती है, और कई बार हम उसे ऐसे मारते हैं तो यदि वो बॉल जाके ऐसे टकराती है तो हमारे आगे आके गिरती है। क्लियर है? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अपन समझने की कोशिश करेंगे। मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल का या किसी भी बॉल का जो कि ऐसे प्रोजेक्ट की गई है किसी एंगल पे, उसका यदि वॉल के साथ, दीवार के साथ जो कोलिजन होगा, डिपेंडेंट ऑन इट्स नेचर, क्या क्या वेरिएशन आएंगे, आज अपन लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है गाइस? तो सबसे पहले तो मैं लेके चलूंगा, द कोलिजन इज कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक, प्योरली इलास्टिक। क्लियर गाइस? मतलब देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, देयर विल नो वेस्टेज ऑफ दैट। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा होगा, समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज द वॉल। क्लियर गाइस? एंड इन दैट वॉल द बॉल इज कोलाइडिंग लाइक दिस। दो केस लूंगा, ये केस वन है। एक केस में बॉल ऐसे आके टकरा रही है लाइक दिस। क्लियर बच्चा? ऐसे एक बॉल आके टकरा रही है। मतलब केस वन में जो है, यदि एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता, क्या होता बच्चा, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता तो बॉडी ऐसे प्रोजेक्ट होकर के ऐसे जाती, ऐसे थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते तो ऐसे जाती, और टोटल रेंज कितना कवर करती, आर कवर करती। तो फर्स्ट केस है जिसमें कि हमारी बॉल कहाँ पर टकरा रही है, एच मैक्स के आगे टकरा रही है। दैट मीन्स इफ दिस डिस्टेंस इज एक्स, देन इन दिस केस एक्स इज ग्रेटर देन आर बाई टू। क्लियर है? तो पहला केस हमने लिया है एक्स इज ग्रेटर देन आर बाई टू। क्लियर गाइस? एंड इन केस नंबर टू, केस नंबर टू ले रहा हूं मैं, जिसमें कि क्या हो रहा है, उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि दिस इज अवर वॉल। क्लियर है? एंड द बॉल इज प्रोजेक्टेड लाइक दिस। क्लियर है? एंड इन दिस केस एक्स इज लेस देन आर बाई टू। क्यों? क्योंकि एच मैक्स के पहले ही बॉल का कोलिजन हो चुका है दीवार से। सो एच मैक्स जब अचीव कर रही होती है बॉडी, उस वक्त इस केस में क्या होता है, ये आर बाई टू होता। क्लियर है? तो एक केस हमने लिया जिसमें आर बाई टू से कम डिस्टेंस है, और एक केस है जिसमें आर बाई टू से ज्यादा डिस्टेंस है बॉल के प्रोजेक्शन का। क्लियर है? यू की वेलोसिटी से एट एंगल थीटा लॉन्च किया है। इस केस में भी क्या था, यू की वेलोसिटी से एट एंगल थीटा लॉन्च किया है। तो दोनों में क्या होगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम कोलिजन के वक्त पढ़ते हैं, कोलिजन क्या हो रहा होगा। तो कोलिजन में ऐसे बॉल आके टकराएगी, तो बॉल के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। क्लियर है? बॉल टकराने के बाद सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसे जाने की कोशिश करेगी। क्लियर है? तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। सो इफ वॉल इज स्मूथ, मतलब वॉल रफ नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि जो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल रहा होगा, वो अभी भी वी पैरेलल के बराबर ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए होंगे। मतलब वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि पहले इन डाउनवर्ड डायरेक्शन था, वो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मेंटेन्ड है, और उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। दैट्स फाइन, उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। मैग्नीट्यूड में चेंजेस कब आते हैं, जब इस डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन कोई इंपल्स आता, मतलब सरफेस फ्रिक्शनल होती तब, बट यहां पे सरफेस फ्रिक्शनल है ही नहीं, सरफेस इज स्मूथ टोटली। दैट मींस कि इन हॉरिजॉन्टल, इन द डायरेक्शन दैट इज पैरेलल टू द वॉल, देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दैट वॉल, ऑफ दैट बॉल। क्लियर है? तो बॉल के वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द वॉल। क्लियर है? तो हमें पता है कि जब भैया हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कोई भी इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पहले भी वही था, कोलिजन के पहले भी, कोलिजन के बाद भी वही है। क्लियर है? मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन का, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट नो चेंज। क्लियर है? हाँ, यदि वहीं पे ऐसा होता कि यह सरफेस फ्रिक्शनल होती, रफ सरफेस होती, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज होता। क्यों होता?
उस वक्त तब होता जब वो फ्रिक्शन इंपल्सिव होता तब। यदि इंपल्सिव होता तो वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाती, और वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन चेंज होती तो क्या होते। अब उसमें भी दो केसेस बनते फ्रिक्शन में भी, कि फ्रिक्शन सफिशियंट था या नहीं था, मतलब वहां पे स्लिपिंग हुई या नहीं हुई, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी तो वो अपन कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करने वाले, हुआ है बिकॉज दैट कम्स अंडर द कोलिजन टॉपिक। क्लियर है? जो कि अपन लोग कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है ना, ये सारी चीजें अपन लोग जब पढ़ेंगे, इंपल्स के बारे में आइडिया लेंगे, तब उन सब चीजों के बारे में फ्यूचर में देखेंगे। अभी उन सब चीजों को यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स। क्लियर है? और यदि हमने माना है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि वॉल तो हरदम रेस्ट में रहेगी। मतलब होगा क्या, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन जो होता है दैट ई इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? तो ई इक्वल टू 1 होता है, ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है। यदि उनको नॉलेज नहीं है तो एकदम टेंशन नहीं लेना, ये जान जाना है कि इलास्टिक कोलिजन है, कोई भी एनर्जी का वेस्टेज नहीं हुआ है, मतलब बॉडी जिस वेलोसिटी से जाकर टकराई थी उतनी ही वेलोसिटी से वापस आ जाएगी, क्योंकि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो जो वर्टिक जो हॉर जो मतलब ये कंपोनेंट था, नॉर्मल कंपोनेंट, वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो कि पहले ऐसे आ रहा था, अभी वो कैसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। क्लियर बच्चा? इसका मतलब रिमेनिंग टाइम में, जर्नी का जो रिमेनिंग टाइम था, मतलब जर्नी कुछ यहां तक जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थे, लेकिन वॉल आने की वजह से वो जर्नी यहां नहीं गई, उसका जो कंपोनेंट ये वाला रहा होगा वो रिवर्स हो गया इधर की ओर, जिसकी वजह से वो रिमेनिंग जर्नी किधर की ओर कवर करेगा, इधर की ओर। क्लियर बच्चा? एट दिस पॉइंट सो यदि ये टोटल डिस्टेंस एक्स था तो ये कितना रहा होगा, आर माइनस एक्स, क्योंकि कंप्लीटेड एक्सपेक्टेड जर्नी तो यही थी, एक्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बचा हुआ था जो उसे कंप्लीट करना था, दैट वाज आर माइनस एक्स, सो वो इधर की ओर कवर करेगा, दैट विल बी आर माइनस एक्स। क्लियर गाइस? तो यदि एक्स इज ग्रेटर देन आर बाई टू होता है तो ये वाला केस बनेगा। बस अंतर किस में आएगा, बस जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वॉल रहा होगा वो अब रिवर्स हो जाएगा, और कंपोनेंट दैट वाज पैरेलल अलोंग दी दैट वाज अलोंग दी दैट वॉल, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए होंगे, सो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना रेंज में कोई चेंज आएगा, लेकिन जो रेंज का रिमेनिंग सेक्शन है वो आगे ना ट्रेवल करके, क्योंकि आगे तो वॉल आ चुकी है, तो वो पीछे की ओर ट्रेवल कर लेगा, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस केस। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, इन दिस केस बॉल इज स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल लाइक दिस। क्लियर है? तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, दिस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट। क्लियर है? दिस वाज द वी पैरेलल कंपोनेंट, दिस वाज द वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हुआ क्या होगा, कोलिजन के बाद यदि मान लेते हैं कि बॉल ऐसे गई होगी, क्लियर है, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, अभी ये हो गया एक कंपोनेंट और ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। सो एज सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, मतलब उसका वी पैरेलल अभी भी चेंज नहीं हुआ होगा, एंड द कोलिजन इलास्टिक, दैट मींस देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। सो जो वेलोसिटी विच कंपोनेंट, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर की ओर था वो रिवर्स होकर इधर की ओर हो गया होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू वी परपेंडिकुलर, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। तो हुआ क्या होगा, अब उसकी एक्सपेक्टेड जर्नी कुछ कैसी थी, कि वो कुछ ऐसे जाता, या मान लीजिए ऐसे जाता, इसका थोड़ा सा और बनाइए तो अच्छा दिखेगा आपको। क्लियर? ऐसे लाइक दिस, मतलब यहीं यहां कहीं बाहर जाके मैक्सिमम हाइट अचीव करता और यहां जाके ऐसे वो जमीन में टकराता। क्लियर है? तो अब वो यहां ना जा करके, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट इधर की ओर था पहले, अब वो कंपोनेंट रिवर्स हो चुका है और पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंजेस आए नहीं है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा नहीं, इसका मतलब रिमेनिंग टाइम में वो एक्सपेक्टेड जर्नी इधर की ओर ना कवर करके किधर की ओर कवर करेगा, लाइक दिस इन दैट डायरेक्शन। क्लियर? एंड इफ दिस डिस्टेंस वाज एक्स, देन ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दिस दैट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू आर माइनस एक्स, सो वो आर माइनस एक्स जो इधर की ओर ट्रेवल करने वाला था वो किधर की ओर ट्रेवल करेगा, इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ, एच मैक्स का कॉन्सेप्ट इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि एच मैक्स ऑलरेडी पहले अचीव कर चुका था वो बॉडी। क्लियर है? इसीलिए देखिए मैं एच मैक्स को डिस्कशन नहीं कर रहा था, लेकिन इस केस में एच मैक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि बॉडी ऐसे गई है और ऐसे टकराई है, मतलब एच मैक्स कहीं वो यहाँ अचीव करेगा। सो क्वेश्चन आता है, क्या एच मैक्स में कोई चेंजेस आएंगे, तो बोलेंगे नहीं रे बच्चा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, ओनली द डायरेक्शन इज चेंज,
there is no change in magnitude of the velocity. I'm saying magnitude of the velocity. Only the direction is changed. And which component of that velocity is changed? The normal component, which was the normal to that particular wall. क्लियर है? तो ये अपन को बेसिक समझ में आ गए कि भैया यदि एक दीवार में एक बॉडी को ऐसे फेंक के मारते हैं तो कई बार ऐसे फेंकने में बॉल ऐसे आती है और ऐसे फेंक के मारने में ऐसे आती है, तो उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं। ये आई थिंक सो आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा। अभी मैंने इस लेक्चर में वो नहीं बताया है कि दो वॉल है, एक दो बॉल है, एक मतलब गेंद है, दो एक गेंद इधर से फेंकी जा रही है और एक गेंद उधर से फेंकी जा रही है किसी एंगल पे, तो दोनों का कोलिजन होगा कि नहीं होगा, इसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, कितने टाइम बाद कोलिजन होगा, कितने एंगल पे थ्रो करेगा कोलिजन होगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन दिस लेक्चर। आज मैं मात्र आपको बताने वाला था कि एक वॉल का यदि इलास्टिक कोलिजन होता तो क्या होगा। और हाँ, आपके मन में यदि आ रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन होगा तब क्या होगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास चैप्टर तक का, या आपसे यदि कोलिजन बनता है तो आप उसको जाके डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। क्लियर है? यह मात्र तभी लगा पा रहे हैं जब कोलिजन इलास्टिक है। यदि कोलिजन इलास्टिक नहीं होता तो वेलोसिटी टकराने के बाद सेम कंपोनेंट से सेम मतलब मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी नहीं लौट पाती, कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते, और उस केस में जो एक्सपेक्टेड रेंज थी या एच मैक्स था या जो भी था टाइम ऑफ फ्लाइट, वो सारी चीजों में चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर है? बट यहाँ पे तो कोलिजन इलास्टिक है, दैट मीन्स कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो गाइस, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ जो एज अ होमवर्क होगी, आपको खुद से सॉल्व करना है। हिंट तो मैं दे दूंगा बट आप सॉल्व करेगा, आंसर निकाल के बताइए क्या आता है एक्सपेक्टेड आंसर। क्लियर है? तो वो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। तो चलिए प्रॉब्लम देख लेते हैं। Now guys, we have a question in which there is a wall जिसमें कि एक body launch की जा रही है like this, clear है? ऐसे launch की जा रही है और वो जाके टकरा रही है, at angle 37 degree launch किया गया है, clear है बच्चा? और कितने की दूरी से launch किया गया है? 18.4 मीटर की दूरी से launch किया गया है, clear है? और उसका जो launching का velocity है u, दैट वॉज 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? तो आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, क्लियर है? फिर उसका एच मैक्स कितना अचीव होगा, क्लियर है? मतलब वो जब ऐसे, क्योंकि सिंपल से दिख रहा है कि जो इसका रेंज आएगा सॉल्व करने पे, रेंज आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 38 point something आएगा, 38.4 आएगा। यस एग्जैक्टली, मैंने देखा था इस क्वेश्चन का आंसर। तो 38.4 मीटर आ रहा है और ये कितने पे है, 18.4 मीटर पे है। इसका मतलब 38.4 क्या होता है, 19.2, मतलब r बाई टू से कम है। तो r बाई टू से कम है मतलब कौन सा केस था, ये वाला केस था, मतलब बॉडी कुछ ऐसे जाएगी पीछे की ओर, क्लियर है, टकराने के बाद। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इस पॉइंट से इधर की ओर वो कितनी दूर टकराएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर है? फिर आपको ये बता दिया, हो गया। तो ये सारी चीजें आपसे एक एक करके पूछ लिया, मतलब कि बॉल से कितना दूर जाके गिरेगा। तो सिंपल सी बात है कि 18.4 है और एक्सपेक्टेड कितना था, एक्सपेक्टेड था 38.4, दैट मींस कि रिमेनिंग डिस्टेंस वो पीछे की ओर चलेगा, तो दैट वाज 20 मीटर, क्लियर है? तो यदि ये 20 मीटर है तो ये 1.6 हो गया। यार सारे आंसर मैं ही निकाल दिया, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स निकाल लीजिएगा, एच मैक्स आएगा 7.2 मीटर, चेक करिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके लिए अननोन है। तो गाइज, ये तो एकदम बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम था जो मैंने आप लोगों को दिया और आपको एकदम मतलब देखने का मौका मिला। ये कई जगह मिलते भी हैं इस तरह की प्रॉब्लम, कई जगह नहीं मिलती। तो एक मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी प्रॉब्लम यदि कहीं भी आपको मिलती तो एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जेई मेंस में यार कुछ भी आ सकता है, आई आई टी जेई में कुछ भी आ सकता है, यही तो उसकी खासियत है कि आई आई टी जेई में वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसीलिए हर बात के लिए आपको रेडी रहना चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन पूछे आई एम रेडी, आप पूछो हमसे मनने का, ठीक है ना? तो ये वही सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाई गई हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को देख लीजिए, कर लीजिए एक बार, तो आपको थोड़ा आइडिया अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का वीडियो बना लीजिए, मतलब नोट्स बना लीजिए और इस पे वेस्ट क्वेश्चंस करिए, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खासकर इसका आंसर निकालिए
और ये बात ध्यान रखना है कि मैंने कैसे कोलिजन को यहां पे कंसीडर किया। यदि कोलिजन का नेचर चेंज कर देंगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको जे एडवांस टाइम पे मदद करेंगी। जे एडवांस टाइम पे हो सकता है कि कोलिजन वहां पे इलास्टिक की बजाय इन इलास्टिक ले ले, या परफेक्टली इलास्टिक ले ले, मतलब बहुत सारी चीजें वेरिएशन करा सकता है। परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं लेगा क्योंकि उसमें जाके चिपक जाएगा, तो वो तो नहीं लेगा, बट इलास्टिक ले सकता है, पार्सली इलास्टिक तरह से। तो देखिए, करिए। लास्ट में वही बोलूंगा कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, पेज को जाके मेरे लाइक कर लो, क्योंकि पेज में हम डेली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। क्लियर है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आने वाली फर्दर वीडियोस उनको मिलती रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो कीप वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।